श्री महात्मानों, तोजी आई समझ आई गुरु दी नाम दी अपने आप दी। सब ने यही मजबूर होकर कहा कि गुरु का असी बदला चुका ही नहीं सकते, गुरु का देन दे ही नहीं सकते। गे सहजो भाई ने कहा मैं राम नूं तज दूं, गुर वसार नहीं सकती क्योंकि राम ने हरि ने मैंने दुनिया में जन्म दिता है, गुरु ने आवागमन का चक्कर छुड़ा दिता है। धन्यवाद वैखी का जिन्हें आवागमन का चक्कर छुड़ाया। फिर हरि ने अपना आप मैं इतने छुपा के रख लिया। गुरु ने ज्ञान का दीवा शब्द का दीवा अंदर नाम की जोत जगा के उसने दुखा दिता। धन्यवाद वह है जिन्हें दुखाया, ना कि छिपे का है। फिर हरि ने अपने मिलन दे बंधन लाते, किन्ने किन्ने समाजों के बंधन है जेडे कि असी पूरे कर ही नहीं सकते थे। तो गुरु ने आके सारे भरम छुड़ा दते भी मुक्ति के तिने ही साधन है, सतसंग भजन तो ध्यान। तो आखिर कहने लगी गुर का बदला दिया न जाए, सर्वस वारे सहजो भाई मैं आपका सरबंश भी वार देवा। तो मैं ओदा बदला चुका नहीं सकती इसे करके ये उसे दी दया सी जो उन्हें समझ दे दी इस गरीब आत्मा नूं, जो दया उस गरीब आत्मा ते आके कीती। तो मैं धन्यवाद करता सकदा नहीं गा, फिर भी मुँह चो कह दिना है कि मैनू भगती का दान दिता है, आपका प्यार बख्शिया है, मैं उहदा धन्यवाद करदा हाँ। थोड़े अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द रखा जाता है। स्वामी जी दे वक्त अगर कोई प्रेमी आत्मा आरती का समान इकट्ठा कर दी तो वो भी आरती कबूल कर लेंगे सीगे। स्वामी जी दे वक्त उन्हां दे पास कई बीबियां बड़िया कमाई वालिया सन, बड़िया सेवा रात दिन कर दिया, थक दिया नहीं सन। खुद माता राधा दी जी असी कुर्बानी नूं याद करिए तो याद ही कर सकते हैं, उस बन नहीं सकते क्योंकि जो उन्हां कोले आपदा तन दौलत सी, औरत नूं जिंदगी नूं बहने प्यारे हुंदे है, वह भी उन्हें परमार्थ विच ला दिते सीगे। तो संगत वास्ते खाना बनाने लगी, वह कदे थकती नहीं सी, ना रात में थकती सी ना दिने थकती सी। तो कई बीबियां सन लेकिन ये जो आरती सी ये बीबी बुको दी तरफों। स्वामी जी महाराज ने जब उन्होंने शब्द समान लिया प्रवान की तो शब्द उन्होंने प्रथाएं ही बोलिया। संत जो शब्द बोलते हैं उन्होंने प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहान है। तो ये नहीं कि किसी एक वक्त वास्ते हुंदी है, निशाना कोई प्रेमी हुंदा है लेकिन वो हर वक्त हर प्रेमी ते टुकदी है। तो गौर ने यह शब्द छोटा जिहा सुनने वाला है जी। आरती परम पुरुख राधा स्वामी शब्द चौथा तार वचन पन्ना 52। आज साज कर आरत लाई, प्रेम नगर विच फिरी है दुहाई। आज साज कर आरत लाई, प्रेम नगर विच फिरी है दुहाई। जे
जिस तरह पे थे आरती का समान तैयार करते हैं, खुशबू वगैरह दीजा तैयार करते हैं, धूप वगैरह जोत वगैरह, इस तरह प्रेमी आत्मा वो परमात्मा मिलने वास्ते तैयार हुई, की समान लिया विवेक और बराग का। हाँ भाई, आज साज कर आरत लाई प्रेम नगर बिच फिरी है दुहाई, बिरा बिरथा के लुट गए डेरे मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे। आत्मा कहती है जेड़ी जित सी बिछोड़ा सी वो खत्म हो गया है। आरती का मतलब आत्मा का परमात्मा विच मिलना, सुर का गुरु विच मिलना, शब्द विच मिलना है। तो कहिंदे कि वह जिहड़ा विछोड़ा सी दित सी वह दूर हो गई है, मेरा परमात्मा स्वामी मैनू मिल गया है जी। बिरहा बेथा के लुट गए डेरे मिल गए राधा स्वामी बिछड़े मेरे, हिरदा थाल सूरत की बाती शब्द जोत में नेत जगाती। बाहर काश की जरूरत पैंदी है, आरती वास्ते थाल की जरूरत पैंदी है, जोत की जरूरत पैंदी है। हुण प्रेमण आत्मा सुरत की कहिंदी है, मेरा दिल का हिरदे का थाल है, सुरत की विच वत्ती है, सतगुरु ने दया की शब्द की जोत दे नाल जगा दिती, वो जोत जगाई जो शब्द की है जी। हिरदा थाल सुरत की बाती शब्द जोत में नेत जगाती। दुनियावी आरतियां से घंटा दो घंटे करके थक जाने हैं, या समान जो रखा होंदा है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रेमण आत्मा कहती है जो मैं आरती कर दी है हिरदे का थाल बना के सुर की बत्ती शब्द की जोत जी जगानी है, ये 24 घंटे की है। ना ये आरती बुझदी है, ना ये बंद हुंदी है, ना इन फेरन वाला थकदा है, ये सुते सुध ही हर एक प्रेमी के अंदर हो रही है। ये नहीं एक दे अंदर है, हर एक दे अंदर 24 घंटे हो रही है। मरण तो हो रहे ये किसी के अंदर आरती बुझदी नहीं, जोत बुझदी नहीं जी। हिरदा थाल सूरत की बाती शब्द जोत में नित जगाती, आरत फेरू सन मुख ठाड़ी प्रीत उमंग मेरी छिन छिन बाड़ी। मैं सामने जाके उस प्रभु परमात्मा दे शब्द रूप गुरु दे मैं सामने आरती कर दी है। मैं दसदा हुंदा है कि अगर अखां नूं पूंझण वाला कोई पास ना होवे ते रोण दा कादा मजा है भाई, जद उहनूं पता ही नहीं गा। इसे तरह वो आत्मा कहिंदी है कि मैं आपदे परमात्मा आपदे स्वामी शब्द रूप गुरु दे सामने खड़ के आरती कर दी है जी। आरत फेरू सन मुख ठाड़ी प्रीत
तयो मंग मेरी छिन छिन बारी तन नगरी बिच बाजत टंडोरा पागे चोर जोर पया थोड़ा। ते हुण सारा नजारा असी अंदर जाके संदल कमल विच पहुंच के ही देख सकते हैं। उत्थों दा स्वामी जी बयान करते हैं, जब मैं गाणा गया मैं आपकी जिंदगी विच मंदरां च हुंदी आरती नहीं देखी सी। अगे पिछे मैं मंदरां विच बहुत गया हैं, आरती सिख भी उतारदे है गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे, लेकिन मैनू सौभाग प्राप्त नहीं होया सीगा कि उस आरती दे विच शामिल होवां। हालांकि मेरे पिता ने 70 अखंड पाठ भी कराए, क्योंकि जो लोग अखंड पाठ कराउंदे है घर वाले आपो अपने कारोबारां विच मस्त हुंदे है, तो भाई आपका वाजा बजा लेंदे है, फुल सट दिंदे है, कोई खड़े या ना खड़े, कोई किसी नूं ये नहीं हुंदा कि इहदे विच हाजरी लाउणी जरूरी है। तो जब मैं गाणा अंदर गया उत्थे सिंधी लोग काफ़ी है, और पहला उत्थे फौज का राज पलटा होया सीगा। काफ़ी सानू पता है कि फौज जो अपनी आई ते आ जाए जो कुछ करती है, काफ़ी लोग उत्थों दे परेशान सन। फिर उत्थे लोक राज आया, जिस वक्त मैं गया सीगा तो अपने जो सत्संगी गाणा अंदर है वो फर्स्ट क्लास दे सत्संगी है, महाराज कृपाल दी दया, और हाई कोर्ट का जज और राष्ट्रपति के जवाई तक बड़े बड़े आदमी उत्थे सत्संगी हैं। वो सब उस टूर के अंदर राष्ट्रपति या होर जिन्नी उन्हां दी पार्लीमेंट सी मैनू सब नू मिलाया। जब राष्ट्रपति विचारे दी मिलन दी वारी आई उस वक्त उत्थे कोई ऐसा अंदोलन शुरू होया मिंटा सकेंटा च, वो बेचारा मिल ना सकिया। जेड़ा उन्हां दा जवाई सी जिसने सारा इंतजाम कीता सीगा उन्हें मत्थे ते हाथ मारिया कि भाग बगैर बंदा कुछ नहीं पा सकता था। तो सिंधी लोग आए, वो कहिंदे बाबा जी अगर तुसी साडे मंदिर विच जाओ ये लोग साडे नाल प्यार करनगे, भई संत जो हिंदुस्तान चो आए सी इन्हां दे मंदिर विच भी गए। मैं आख्या भी जी मेरे ना जानना तुहाडा कोई फायदा है तो मैं जरूर चलूंगा। उत्थे मैनू पहली दफा आरती देखण नूं मिली, जिस तरह उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग नाल आरती उतारी, अच्छा प्यार सीगा। उस तो मगरों स्वामी गाणानंद ने भी निमंत्रण दिता, असी सारे ही गाणा दे जो प्रेमी है, क्योंकि मेरे जानना पे संगत भी सारी उत्थे गई। वो जो आरती मैं देखी, जो जोश देखिया, वो मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखिया सीगा। इतना जोश कि वो लोग जमीन तो उठ उठ तहन दो दो फुट शब्द बोलन लगे उठते सीगे। तो जिसने ना देखिया होवे वो नज़ारा उहदे पादा हादसा ही हुंदा है। तो बलवंत मेरे साथ सी, इहदा हादसा जिहड़ा सी ओह थम्मिया ना, अखीरे बाहर निकल गए वे ये की करते हैं, क्योंकि उन्हां लोकां दा गांजा पीता होया सीगा, गांजे विच मस्त सीगे। तो आखिर मगरों मैं भी थोड़ा बहुत बोलना सीगा, मैं इस आरती दे मुतलक समझाया, उन्हां दी भी बल्ले बल्ले करी भी तुहाडे विच जोश बड़ा है। मैं जोश दी बड़ी ही प्रसन्नता करदा हाँ, अच्छा है, पर ये जोश
अगर अंदर जाने वास्ते लाया जाए फिर तो 100वां हिस्सा 1000वां हिस्सा भी लाया जाए तो तुसी कामयाब हो सकते हो। थानू नित थाल ना जगाने पैण, नित थानू समान ना भालना पवे, ये आरती हर एक दे अंदर हो रही है। तो जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो कहिंदे आ कि तन नगरी विच वजत टंडोरा भागे चोर जोर पिया थोड़ा। ये हुण सारा नज़ारा पहली मंजिल संसदल कमल ते है, उत्थे 1000 बत्ती दी जोत है। ये भी महात्मा सानू समझाउंदे है जिहड़ा वह नज़ारा है वह देखण दे नाल ही तुलक रखदा है, वह खंडा ब्रह्मंडा नू प्रकाश दे रहा है। कोई ये नहीं कि कोले ही है, वो खंडा मरमंडा नू प्रकाश जिहड़ा है नज़ारा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। जिहड़े डाकू साडा रोज घर लुटदे सी उन्हां दा हुण जोर घट हो गया, क्योंकि जद घर दा मालक जाग पवे ते चोर अचक्के घर विच नहीं रहिंदे, उन्हां नू पता है वी हुण घर दा मालक जिहड़ा सी उह आ गया है। ये चोर महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे बच्चियां दी शकल विच अंदरों निकलदे आ, दस के जांदे है काम दी जगह, शील आ जांदा है, पाक दामनी आ जांदी है। काम कहिंदा हुण मेरा इत्थे गुजारा नहीं गा, क्रोध दी जगह शिमा आ जांदी है, वह भी अंदरों लंघ जांदा है वी इत्थे हुण मेरा कहदा गुजारा है। मोह की जगह विवेक आ जाता है तो मोह भी अंदरों समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब घर का मालक अपनी आई पर आ जाए तो दूसरा आदमी उसे टिक नहीं सकता गा। इस तरह दूजिया ताकत निकल जा, चोरों का डाकुआ का लटेरिया का जोर घट गया, शोर पाने अंदरों हट गए। ये अंदर शोर पाते हैं तद ही सानू ये मजबूर करते हैं, तो शब्द का राज हो गया। ये हुण सारा नज़ारा अंदर का है, लेकिन असली जो आरती है वह अंदर है। बाहर असी मंदरां दे अंदर जो कुछ भी करते हैं ये अंदर की नकल है। महात्मा ने सानू समझाया सी इस तरह करके कि देखो भई असली आरती तुहाडे अंदर भी हो रही है, अगर तुसी उत्थे जाओ तो तुहाडी मुक्ति हो सकती है। जब गुरु नानक देव जी महाराज जगन्नाथ के अंदर गए उत्थे पंडित लोग आरती कर रहे थे, जैसा कि मैं थानू गाना अंदर दसिया है कि जब मैं बोलना पिया तो वह सारा कुछ ही मैं अंदर का बोलिया उन्हों का बाहर ला सीगा। तो हो सकता है किसी नूं वह बुरा भी लगता हुंदा है, क्योंकि वह तो उस ही मस्त हुंदे है। तो जब गुरु नानक देव जी उन्हों की आरती च खड़े ना होए जिमें कि बलवंत उतो उठ के चली गई तो वह भी इस तरह खड़े ना हो, तो उन्होंने बड़ा गुस्सा किया कि असी आरती करते सीगे तुसी खड़े नहीं होए। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा भी आरती तो सुते सिद्धि अंदर हो रही है, मैं हुण उठा कित्थे, मैं तो आरती रोज ही मेरे अंदर हो रही है, मैं उसकी खुशबू लै रहा, मैं उसका प्रकाश देख रहा है। गगन में थाल रब चंद दीप को बने तारका, वो कहने लगा देखो परमात्मा ने सारा कुछ बनाया, तुसी अखा ना तो देखो उन्हें केड़ी कसर छड़ी है। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहिंदे है तन नगरी विच वजत टंडोरा भागे चोर जोर पिया थोड़ा। जी तन नगरी विच वजत टंडोरा पागे चोर जोर पया थोड़ा, शील शिमा आए थानांगाड़ा, काम क्रोध पर पड़ गया ताड़ा। उत्थे शील शिमा विवेक वराग ने आके अपना कर लिया,
और जेडे पंज लुटेरे बंदर की तरह नचा रहे सी जेडे हर एक का घर लुट रहे है उन्होंने उत्ते इस तरह छा गए जिमें के लटेरे डाकुओं नूं आके पुलिस दवा लैंदी है जी। शीला शिमा आए थाना गाड़ा काम क्रोध पर पड़ गया ताड़ा स्वामी मेहर करी अब पारी मैं भी उन चरणन बलिहारी। तो प्यारे उत्थे जाके पता लगता है जिमें जिमें असी संत कमल तो उपर जाने हैं कि गुरु ने दया की है। मैं पहले ही जिक्र कर आया सी जेड़े अंदर जाते हैं गुरु की दया का उन्होंने भी पता है। आत्मा कहती है जिन्हें खुले दिल ना उन्हें मेरे ते दया की है मैं भी उस बलिहार जानी है बलिहारी गुरु अपने बेहुआड़ी सदवार। गुरु नानक कहते मैं अनेक बारी कुर्बान जाना है नमस्कार कर रहा हूं जिन मानस ते देवते की है करत न लागी वार साडी राक्ष बुद्धि नु पलट के देवते बना बुद्धि कर दिंदा है जी। स्वामी मेहर करी अब पारी मैं भी उन चरणन बलिहारी अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी राखो संग सदा अंतर जामी। ना मेरे अंदर पुत्र की ख्वाहिश है ना धी की ख्वाहिश है ना दुनिया के समान की ख्वाहिश है फिर तू अंतर जामी है कि तेनू नहीं पता कि मेरे अंदर दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं तू मैनू अपनी शरण दे नाल हुण विछोड़ी ना जिहड़ी मैं तैनू आके मिल गई है। ये आत्मा मिलके आपदे उस शब्द रूप गुरु अगे फरियाद करती है जी। अब तो शरण पड़ी राधा स्वामी राखो संग सदा अंतर यामी मेरे और न कोई दूजा मेरे निस दिन तुम्हारी पूजा। जद गुरुदेव जी इथों जांदे सन उदो यही सीगा कि तेरे बिना कोई नहीं काल पिछे पड़िया है पता नहीं ये की करेगा तू ही लाज रखनी है तो रखदा आया है इस वास्ते मेरे और ना कोई दूजा मेरे मैं किसी देवी देवते नु पूजदी नहीं तेरे बिना किसी दी तरफ मैं अख उठा के भी देखती नहीं जी। मेरे और ना कोई दूजा मेरे निस दिन तुम्हारी पूजा तुम बिन और ना कोई जानू छिन छिन मन में तुमको मानू। कैथो बना मैं किसी नूं समझी नहीं चाहे मेरे अंदर बर्मा विष्णु शिव सारे देवते बैठे है शिरोमणि देवतें दे देवते बैठे है मैं छिन छिन तेरी तरफ ही मेरी तवज्जो है सब कुछ जो कुछ है सो तू ही है जी। तुम बिन और ना कोई जानू छिन छिन मन में तुमको मानू मैं मछली तुम नीर अपारा केल करूं मैं तुम्हारी लारा। आत्मा फरियाद करनी दसदी है कि मैं तो मछली की तरह हाँ
जैसा कि महाराज सावण सिंह ने आपके गुरु अगे फरियाद करदिआं कहा कि मेरा जिहड़ा दिल है मेरी आत्मा मछली की तरह तड़फ रही है तुहाडे दर्शनां नूं। इस तरह आत्मा कहती है कि मैं मछली हाँ, तू मेरा दरिया है, समुद्र है। अगर मछली दरिया विच तरदी है तो उन्हूं समुद्र का मान हुंदा है, ये मेरे वास्ते लहरां उछालदा है, ये मेरे वास्ते परमात्मा ने बनाया होया है। इस तरह हे गुरु, मैं अगर जे दुनिया च खुश भी हुंदा है तेरे अगे फरियाद भी करदा है, मैनूं तेरे ते मान है कि तू मेरी लाज रखेगा जी। मैं मछली तुम नीर अपारा, केल करूं मैं तुम्हारी लारा, मैं पपीहा तुम स्वाति के बादल, सुख पाए दुख गए हैं रसातल। मैं चातर हां, तेरी बूंद दा प्यार दा प्यासा हां, तू प्यार दे बदल हूं, जेड़े मेरे जमण मरण दे दुख सन और सातल दे विच गहरे ठगे खड्डे दे विच गिर गए है, हुण मैं शांत हाँ। सब तो वड्डा जो दुख है वो जमण मरण दा दुख है। ठंडे दिल नाल देखिया जावे तो जन्म वेले कितना कष्ट है, मरण वेले कितना कष्ट है, जदों पैदा हुंदे हैं उदों भी एक मास दे लोथड़े दी तरह पैदा हुंदे हैं, बेसहारा हुंदे हैं, अपना आप किसी नूं दस नहीं सकदे गे कि सानू की बीमारी है। माता पिता की बुद्ध उस वेले कम नहीं करदी गी, जब मौत हुंदी है उदों भी बेसहारा है। वारसां दी मर्जी है वह कावां कुत्तिआं अगे सिट्टण, उन्हां दी मर्जी है उस ते फुल चढ़ाई जाण, उहनूं ना फुल चढ़ाया दा कोई फायदा है, ना कावां कुत्तिआं नूं खवाउण नूं कोई हिरख है, ना उहदा कोई घटदा है। कबीर साहिब ने कहा सीगा जे मृतक नूं बिष्टां च लड़ा रला दीए उहदा घटदा नहीं कुछ, जे खुशबू दे फुल चढ़ा दीए तां उहदा कुछ वधदा नहीं। तो इस वास्ते कहण लगे मैं पपी मेरे मैं तां पपीहा हां, तू स्वांति का बदल है, बारिश करने वाला। तो पपीहे की प्यास स्वांति बूंद नाल ही कहिंदे एक दफा पै जावे साल पर उहनूं प्यास निकलदी। तो जिहड़े मेरे दुख सी जमण मरण दे उह रसातल चले गए है जी। मैं पपीहा तुम स्वांति के बादल, सुख पाए दुख गए हैं रसातल, तुम चंदा मैं कमोद नहींनी, तुम्हारी लगन में निस दिन पीनी। तू मेरा चंद्रमा है, मैं गरीबनी कमोदनी है, कमोदनी समुद्र दे विचों निकलदी है, पर मैं प्यार तां तेरे नाल करदी हां, जो तू निकलदा है मैं खिड़ जानी है, मैं खुश हो जानी है जी। तुम चंदा मैं कमोद नहींनी, तुम्हारी लगन में निस दिन पीनी, मैं तारनी तुम गगन बिराजे, कैसे मिलूं मैं तुम संग आजे। मैं कमोदनी जमीन उत्ते हैं, तू आकाश उत्ते हैं, करोड़ा कुहां दा फासला है, मैं किस तरह मिला, मेरे को एहे जी कोई पर नहीं कि हे परमात्मा मैं बंधना च बद्धी हुई हैं, जमीन ते रहनी है, तू सचखंड विच बैठा है, मैं तेनू किवें मिला, ऐसे मेरे को किथे पर है कि मैं सचखंड उड़ जावां जी।
मैं तारनी तुम गगन बिराजे, कैसे मिलूं मैं तुम संग आजे। सूरत निरत से चढ़ करता कभी न छोड़ू अस लिपटाऊं। आत्मा दिया दो ताकत होंगी है, सुरत और निरत। सुरत महसूस करने वाली ताकत नु क्या है, सुनने वाली नु, निरत देखने वाली नु। ये दो पर है, मैं इन्हां दे उत्ते चढ़ के तेरे पास आ जाऊंगी। ये भी तई मैनू दया करके दसिया है कि सुरत और निरत नु जगाओ। ये भी तेथों सुनिया है, मैं तेनू ऐसी आके लिपट जाऊंगी, जफ्फी पा लूंगी, मैं तेनू छड़ूंगी नहीं। तो सज्जन से ते सज्जन मिलिया जैसे खंड पतासा। महात्मा चतरदास ने, जो महाराज सावन सिंह दे प्यारे शिष्य सन, उन्होंने कहा कि इस तरह आत्मा मिल जाती है, सज्जन से ती सज्जन मिलिया जैसे खंड पतासा। जिवें खंड दा पतासा, पतासे दी खंड। खोल तनी गल लाया सज्जन ते बिथ रही ना मासा। उथे कादी बिथ है, आत्मा परमात्मा च मिलके परमात्मा हो गई। कौन आवे कौन जावे, कौन उथे विछोड़े ते कादा विछोड़ा है जी। सूरत निरत से चढ़े करता कभी न छोड़ू अस लिपटाऊं। मैं गुरबरती राधा स्वामी के चरण की लाज रखो मेरी काल से अब की। जैसे कि इस गरीब आत्मा ने परम पिता कृपाल लगे यही अरदास करी सी कि काल पीछे पड़या है तू लाज रखी। यही आत्मा अंदर भी कहती है कि तू मेरी लाज रखी, मैं गुरवर्ती होके अंदर आई है। जिस तरह औरत पतिवर्ती, पतिवर्ता धर्म उन्ना ही मर्द वास्ते जरूरी है। बहुत पछमिया मेहमान ने सवाल किए कि महाराज ने हर जगह औरत का नाम लिया, मर्द का नहीं लिया। तो मैं कहा कि अंदर जो सिलसिला है, अंदर जो अरेंजमेंट है, अंदर जो राज है, उत्थे आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा स्त्री किया गया तो परमात्मा नु मर्द किया गया। लेकिन संसार दे विच असी लोग ये कहिए कि मर्द वास्ते कोई छूट है कि व्यभिचार करता फिरे, तो गलत है। व्यभिचारी की शक्ल देखने नाल पाप लगता है। पतिवर्ता धर्म जिन्ना एक औरत वास्ते है उन्ना मर्द वास्ते भी जरूरी है। यही कानून लागू गुरु मत विच आउंदा है। जेड़ा नाम लेके फिर भी देवी देवत्यां दे मगर तुरिया फिरदा है, अखौतियां दे मगर, कदे उधर भज्जिया कदे उधर भज्जिया, वह किस तरह गुरु वर्ती हो सकदा, किस तरह मालक नूं पड़दा खुलेगा भाई। तो इस वास्ते आत्मा कहिंदी है मैं तां गुरु वर्ती हां, काल पिछे पड़िया मेरी लाज रख। गुरु वर्ती उही आत्मा है जिमें धर्मदास ने कहा सुखने इच्छा ना उठे गुरु आन तुम्हारी हो। होर किसी की इच्छा ही ना दिल में उठे, सुत्या ना उठे, जागद्या ना उठे, अगर उठे तो गुरु दी उठे। मैं गुर बरती राधा स्वामी के चरण की लाज रखो मेरी काल से अब की।
तुम्हारे बल से पई हूं न चिंती, अब मन में न शंका तरती। हे गुरुदेव जी, हे कुल मालिक, मैं आज निचिंती हुई है तेरे बल पे, पुत्र पिता दे बलते उते ही ऐश कर सकता है, बेफिक्र हो सकता है, लेकिन असि दुनियावी पिता बहुत थोड़े ही हैं जेडे आपके बच्चों ये मौका देइए कि भी बेटा जिन्ने दिन मैं बैठा है मैं जिम्मेवारी ना काम चलाऊंगा, तू हुण पढ़ ऐश कर। जे असी उन्हूं पढ़ा दईए साडे दिल विच इह प्यार होवे तो मैं वैदे ना कहना है कोई भी बच्चा मां बाप की आग्या अलंघन ही नहीं करेगा। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सी जिसने अपनी औलाद नूं नेक बनाउणा है खुद नेक बने, ये उहदी सोचनी गलत है कि मैं तां नेक बना ना, मैं जो चाहे करा ते औलाद नेक बन जावे, ये भुल के भी नहीं हो सकती। पशु पंछी भी जेड़े है वह भी असले ते जांदे है, जैसे मापे वैसे बच्चे। महाराज सावण सिंह कहते जैसे मापे वैसे बच्चे, परिवार एक बाग हुंदा है, इस बाग नूं बच्चे फल लगता है, तो फल प्यारे हो जिने पौधे लाए उसे ने खाना हुंदा है। जब उन्होंने खट्टे मिठे असी वह पौधे लाए है, पानी दिता है, जिह जा पानी दिता वह जहा सू फल अगो स्वाद मिलता है, फिर असी लोगों को जाके कहने साड़ी ना औलाद नलायक है। जब बुढ़े आके गल कहते मैं उन्होंने पूछता हूं तू कि नेक है बई, तो बुढ़ा ना गुस्से हो जाता है, कहता जी तुम तो मैनू कहने हो। सो ये है साड़ी हालत। सो इस वास्ते तुमरे बल से पई उन्हें चिंता, अब मन में नहीं शंका तरती। सिख गुरु के बल के उत्ते ही डींग मारदा है, गुरु के बलते ही वो बोलता है। गुर को राखो शीश पर, कबीर सिंह ने चलिए आ गया माहे, कहे कबीर तें दास को तीन लोक डरना है। गुरु की आग्ञा ता ही रहांगे। गुरु कद कहिंदा है भई तुसी बरियाई करो, तो हर बरियाई तो कोई संतां नूं मालिक हौलिया नहीं होया हुंदा भी वह दो दो घंटे घंटा घंटा बोलते रहिंदे है। उन्हां दे बोलण दा भाव यही हुंदा है कि किवें ना किवें समझ जाण, ये ऐब छड जाण। लेकिन साडी की हालत है जे चार बंदे खड़ जाण ते असी खूब लैक्चर करदे हैं, अगले नूं दसदे हैं भी पता नहीं किन्ने क कमाई वाले हैं, आपदा झुग्गा चौड़ होया रहिंदा है। माड़ा जिहा अंदर सोचना चाहीदा है, मनुख कथा कथा कथहारा है, जो बोला सोना विचारा है। सब तो पहला बोलन तो पहला विचारो कि मैं वो है, कि मेरी उतो ते रसाई है, कि एदू वध की झूठ है। लोगों उपदेश देना काम तो बचो, क्रोध तो बचो, अभ्यास करो, खुद अभ्यास ना करना, खुद ना काम तो बचना है ना क्रोध तो बचना है। दसो भाई आप भी धोखे च रहे, उन्होंने भी धोखे च रखे, चाहिदा की है? पहले मन पर बोधे अपना पीछे आवर रजावा, पहला आप दी अग बजाओ फिर दूजे दी बजाउण दा उपदेश करो, नहीं तो वह हालत होगी। कबीर साहब ने कहा सी लोगों के खलवाड़ा की राखी करते हैं तो आपका खलवाड़ उजड़ा जाता है। अवरैद को उपदेश ते मुख में पड़ा है रेत, तो रास बरानी राखते खाया घर का खेत। घर का खलवाड़ा उजड़ा जाता है, लोगों की राखी करते हैं कि भाई ये कोई इंसाफ है, तो इंसाफ अपने नाल करना है। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं तुमरे बल से पई हुन चिंती, अब मन में, तो सिख गुरु के बल से ही अंदर जाता है, तो गुरु का बल ही उहदे कोले हुंदा है। कि महाराज कृपाल दी ही दया सी, उसकी ही मेहर सी
मैं सारे संसार विच जब पहली टूर ते गया हैं तो सोच के देख सकते हो मैं खुद उन्हां दी भाषा नहीं जानता गा। फिर ए दुनिया का भी नॉलेज मैं इतना नहीं सीगा, क्योंकि जब दुनिया के नाल वास्ता ही नहीं सीगा तो की नॉलेज हो सकता भाई। तो नाल ही एक छोटा जा बच्चा ही लिया सीगा जिसनू पूरी इंग्लिश नहीं आती सी, तो अगले पास यही कहा सीगा भी प्यारे जे भला कितने गलती करे तो तुम दस दौ। तो मेरे को एक गुरु ही है महाराज कृपाल ते या सावण का प्यार। ये नहीं उन्होंने कहा भी असं आलम हाजरा होके आए हैं, ना उन्होंने कहा भी जे कितने गलती होंगी भी दस दौ तुम। जो साढ़े पास है वो जो सानू प्यार साढ़े गुरु देव के चरणों में बैठ के मिले वो थोड़े ना वांटन आए हैं। फिर उन्होंने ये भी दसिया कि अंदर किसी भाषा का रौला नहीं गा, और शिष्य की भाषा में गुरु नू गल कर लेनी कोई मुश्किल भी नहीं, ये एक महात्मा वास्ते मामूली बात है। लेकिन ऐसी बात ऐसी करामात तो संसार में कदे भी नहीं कन्नू हथ लाउंदे दिखाउंदे गे। पर मैं ये भी उत्थे लिखिया है कि जिथे आत्मा और शब्द की बात होएगी उत्थे पप्पू ट्रांसलेटर की लोड़ नहीं पेगी। और अज पछम के लोग सवाल करनू हट गए, इस गल नू सब मनते हैं कि साडे नाल साडी भाषा की बात हुई। इथों तक एक ब्राह्मण आई इत्थे कहिंदी मेरे नाल सारा दिन इंग्लिश बोलते हो। मैं कह भी तेरा प्यार है तेरा भरोसा है, मैं तो जो कुछ तू बोल दी है मैं समझदा ही नहीं गा। सो ये है एक ये गुरु का बल, ठीक है, ये गुरु का बल है, ये महाराज कृपाल का बल है, उसकी ताकत है जी। तुम्हारे बल से पैहुनि चंती अब मन में ने शंका तरती, सूर किया स्वामी खेत जिताया मार लिया मैंने मन और माया। अगे मैं इस खेत चू जिथे के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पंज पहलवान बैठे है, मैं डरदा बिल्ली दी तरह अंदर नहीं वड़दा सीगा। ते गुरु ने शब्द दे के मैनु सूरमा बना दिता, तो मैं मन और माया जितने भी पदार्थ सन जितने भी पंजे डाकू सन सब नू काबू कर लिया है। ये सूरमा किने बनाया भाई? गुरु ने। गुरु नानक देव जी महाराज बाणी जी लिखते हैं, नै ते पंज जवान गुर थापी दित्ती कंड जियो। गुरु ने शिष्य नू शब्द तुंदे नाल लैस कीता हुंदा है, तो पिठ दे उत्ते हुंदा है, अंदर वड़ के देखो तुसी पहलवान वो बनावेगा, तुहानू हर कदम से थापी देवेगा कि मैं नाल हैं, ये बिलियां बन के निकल जाएंगे जी। सूर किया स्वामी खेत जिताया मार लिया मैंने मन और माया, खाक मिला सब कपट खजाना पाग गया दल मोह पुराना। जेडे मुखालफत ताकत सन दलां दिया दल कट्ठे होने सन जब शब्द का राज होया सब अंदरों कपट ठगी फरेब जितने भी अंदर कट्ठे डेरा लाया हुआ सी सब निकल गए अंदरों, शब्द का राज हो गया, खालसा बन गया। खालसा कौन है भाई? जिते शब्द का राज है जिहड़ी खालसी चीज है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सीगा पूर्ण जोत जगे घट माहे, जब पूरी जोत का अंदर प्रकाश हो जाता है तब खालस नहीं नुखालस जाना है। खालसा
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਉਂ ਤਬਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉਂ। ਹਰ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ 10,000 ਐਰਾ ਆਪਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਬਈ। ਤੋ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 100 ਐਰਾਪਤੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਐਰਾਪਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਊਂਗਾ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ 1,25,000 ਨਾਲ, ਇਹ 1,25,000 ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ ਤਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਆਤਮਾ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੜੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਜ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਕ ਮਿਲਾ ਸਭ ਕਪਟ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਭਾਗ ਗਿਆ ਦਲ ਮੋਹ ਪੁਰਾਣਾ, ਗੜ ਤ੍ਰਿਕੋਟੀ ਅਬ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਸੁਨ ਸਿਖਰ ਪਰ ਡੰਕਾ ਦੀਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸੂਲ ਗੰਢ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੋ ਸੰਤਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੜ ਤ੍ਰਿਕੋਟੀ ਅਬ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਸੁਨ ਸਿਖਰ ਪਰ ਡੰਕਾ ਦੀਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮੇ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਦਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੜ ਤ੍ਰਿਕੋਟੀ ਅਭ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਸੁਨ ਸਿਖਰ ਪਰ ਡੰਕਾ ਦੀਨਾ, ਤਿੰਦ ਮਹਾ ਸੁਨ ਬੀਚ ਮੇ ਆਇਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦੀਨ ਤਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਸੁਨ ਦੇ ਦੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਹਾਸੁਨ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਟਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1,000, ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ 1,000 ਸੂਰਜ 1,000 ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ।
उस जगह गुरु आत्मा नूं अपने प्रकाश दे नाल ले जांदा है, क्योंकि गुरु प्रकाश रूप हुंदा है। तसल्ली अंदर जाके पता लगता है कि उन आत्मा अगे वो जिहड़ियां भंबल भूसे आत्मा खांदियां हुंदियां उत्थे गुआचियां फिरदियां हन, वो कहिंदियां आपदे गुरु अगे फरियाद करो कि सानू भी लै जाण, काश कि असी भी पूरा गुरु ढूंढदियां। उत्थे पहुंच गईयां, अगे रस्ता नहीं ते गुरु ले जांदा है जी। सिंध महासुन बीच में आया, सत गुर कृपा ने दीन तराया, कंवर गुफा के महल बिराजी, सात लोक चढ़ अचरज गाजी। कहन लगे तो आचार्य देश है, आचार्य उत्थ की आवाज है, गर्जना है, और अवर गुफा तो मैं सत लोक सचखंड विच गई जी। पंवर गुफा के महल बिराजी, सात लोक चढ़ अचरज गाजी, अलख लोक में सूरत साजी, अगम लोक को छिन में पाजी, तो सिंहासन क्या क्या कहूँ महिमा, जहाँ राधा स्वामी ने तारे चरना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते अगम अलख दे उपर ताव है, सत लोग की तब शुद्ध पावे, ताके उपर संतम ताम नानक दास किया बसराम। जिन अगम लोग का नहीं पता, उन्हों सत लोग का की पता है, उन्हों अलख लोग का की पता है। सो इस वास्ते तो उन्हों संत ताम का की ज्ञान है। स्वामी जी ने उस परमात्मा नूं स्वामी कह दिता, गुरु नानक ने उन्हों संत ताम कह दिता। उत्थे संतां दा ही संघासन है और संत ही उत्थे रहिंदे है। परमात्मा कह लो, संत कह लो, संत राम में भेद कुछ नहीं, साध रूप अपना तन तारिया। सो इस वास्ते कहन लगे ओ जो संघासन है जिथे प्रभु विराजमान है उहदी की महिमा बयान कर सकते हैं। कैम दैन सदा पातशाही, वो सदा ही कायम है, दैम है, उसे भी पातशाही है। जिन्हों कोई इंसान थाप नहीं सकता, वो सुते सीधी प्रकाश है, उहदी की महिमा करिए भी, वो तो देखण दे ही काबिल है जी। ओह सिंघासन क्या कहूँ महिमा, जहाँ राधा स्वामी ने तारे चरना, उन चरणन पर जाए लिपटानी, आगे कह की क्या कहूँ बानी। उत्थों दी पोप दी फुल दियां ऐसियां खुशबुआं है, उस खुशबू दे सहारे ही, नूर दे सहारे ही आत्मा उत्थे जी रहियां हन। वो कहन लगे मैं उत्थों दी की बात दसां, की थानू दसां उसदा रस, मैं तां जाके उहदे चरणां दे विच लिपट गई हां। जिस तरह लड़की सहुरिआं दे घर जांदी है, सखी सहेलियां नूं पुछदियां है पति दे बारे कि पति दा आनंद कैसा मिलाप, वो की दसे, उहनां दी तरफ झाक के चुप हो जांदी है। इसे तरह उत्थे पहुंची आत्मा की दसे भी सारे संत उत्थे जाके चुप हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा सीगा कि गई पुतली लून दी था सिंध की लैन, आ अनाथ पानी पई उल्ट कहे को बैन। जिस तरह लून दी पुतली
समुद्र की थाह लैण वास्ते गई कि किन्ना गहरा है। वो खुद पानी विच मिल के पानी बन गए। कौन आके बतावे भी इतना गहरा है। सो इस वास्ते कहण लगी मैं तो चरण जाके लिफ्ट गई, इहनू हुण क्यों छड़ना है। जो आत्मा उत्थे पहुंच जांदियां हन मैं दसदा हुन्ना है, जिवें गुरु गोबिंद सिंह दी मिसाल दिंदा हुन्ना, जो कुछ उन्हें लिखिया कि मैं जदों परमात्मा नाल एक हो गया उस वेले मेरा जी आउण नूं नहीं करदा सी। हुण उत्थे पहुंचियां आत्मा नूं परमात्मा जो हुक्म दिंदा है वह वजाउणा पैंदा, आउणा पैंदा है। जिस रस्ते आत्मा जांदी है उसे रस्ते ही वापस शरीर अंदर आउंदी है। वो आके गल्लां गल्लां नाल, क्योंकि संतां दा रस्ता तो यही रहा सदा ही आओ करो और चलो साडे साथ ही, जिंदे जी मरन दा उधार नहीं। लेकिन असी लोग बहुत थोड़े प्यार नज़र विच आउंदे हैं, फिर सानू दुनियावी मसालां देनियां शुरू करदे हैं भी कोई ना कोई मिसाल इन्हां दी समझ विच आ जावे दुनियावी चीज़ां दी। फिर वह सानू अपना नाम का रस्ता दे देंगे है, साडे अंदर फिर खोज आरंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो हौली हौली वह समझा के वह सानू सचखंड लै जाते हैं। जिस तरह कांगड़े दे घाटियां अंदर महाराज सावन सिंह जी गए, उत्थे उन्होंने एक भगवे कपड़े वाला साधु मिलिया, दूरों देख के कहन लगे भई आ गया है तू इत्थे ही है। वो कहिंदा हाँ जी तुसी भी इत्थे हो मैं भी इत्थे ही हैं, तुसी भी आ गए मैं भी आ गया। उन्हां दे नाल जो सेवक सन उन्हें पुछया भी की बाबा जी जदों खाणा बीबी लाजो ने बात दसी सीगी, जदों खाणा खाण लगे पूछया कि जी की तुसी उस भगवे कपड़े वाले साधु नूं जानदे हो, तुसी ऐं बात करी जिस तरह जानदे हुंदे हो, तुसी पूछया भी आ गया है। उन्हें भी अगों उही जवाब दिता जे तुसी ये कहा तुसी इत्थे ही हो, उन्हें भी उही जवाब दिता भी तुसी इत्थे ते मैं भी इत्थे। वो कहिंदा काको तू जानदी नहीं, उन्हां दे अंदर इतनी ताकत है अगर कोई प्यार नाल अख मिला ले तो सीधे सचखंड लै जाणगे, पर ऐसे लोगों तो कोई फायदा नहीं उठाता गा। सानू ये हुक्म है भी जीवन समझा के सत्संग सुना के फेर लियाओ। असी जो समझाने हैं लोग ज्यादा आत्मा तैयार हो जाती हैं, क्योंकि जब दसना ही नहीं किसी साधु ने भी मैं की हाँ तो सानू घट ही पता हुंदा है, पता ही नहीं हुंदा गा असी की उहदे नाल प्यार दी अख मिला लांगे। बई महाराज साहब ने कृपाल ने कहा सी कि अख ही अख नूं दिंदी है। इसे वास्ते सरूप दी महिमा गाई गई है। गुरु अर्जन देव ने भी कहा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां, फिरदा किते हाल जे डिठा तां मन तुरापिया। कि मेरा दिल करता है मैं आपदे गुरुदेव का स्वरूप अठे पैर अखां दे अगे रखा। जदों अखां तो पासे होंदा मैं बौरियां की तरह हो जाना है, जिठा तां मन तरापिया उदों शांति आउंदी है। इस वास्ते स्वामी जी महाराज सानू प्यार दे नाल समझा रहे हैं। तो संत महात्मा जिहड़े है वो प्यार दे समुंदर हुंदे है। इस वास्ते सानू प्रसंग दे जरिए ये उन्होंने तरीका रखिया, दुनियावी मसाला दे के सानू समझा के आखिर साडे अंदर बिरे पैदा कर लेंदे, तड़प पैदा कर लेंदे है। एक दिन कमाई करा के वह सानू पचा के ही छड़दे है जी। उन चरणन पर जाए लिपटानी आगे कह की क्या कहूं बानी, अब आरत में कीनी पूरी पाखा पेद अगम गम मूरी।
राधा स्वामी की चरण तूर तार आए गई अपने में निज कार। जिथो आत्मा इस जगह चो सचखंड तो गई सी उथे वापस आके परमात्मा तो विछड़ी उथे आके मिल गई। जिस तरह बुखारात बन के पानी समुद्र दे विच उड़दा है बदलां दे जरिए जमीन ते आ जांदा है गंद दा छिलकियां दा कीचड़ दा साथ लेके वह भी कीचड़ बन जांदा है नदियां नालियां च ठोकरां खांदा फिरदा है। जब वह फिर उन्हें सूरज की तपश मिलती है बुखारात बन के उड़ता है वह सीधा बदलों जाके समा जाता है। फिर उन्हें पता लगता है कि गंद तो कोई होर चीज़ सी मैं कोई होर चीज़ सी मैं पहला भी प्योर सा हूँ भी प्योर है। उत्थे आत्मा नूं पता लगता है कि मैं तो पहला भी परमात्मा की अंश है हूँ भी परमात्मा की अंश है। मैं किस तरह गंदे गंदिया जूनों के ठेडे ठोकर खा के इत्थे आई है इत्थों ही आत्मा गई सी उत्थे ही आत्मा वापस चलेगी। किहदी कृपा ना बई गुरु की कृपा ना। इस वास्ते कहंदी मैं जो आरती करी सी वो मेरी पूरी हो गई। आरती का असी संत मत दे विच गुरु विच रत जाना आरती है गुरु विच समा जाना आप छोड़ गुरु माहे समावो। राधा स्वामी की चरण तूर तार आए गई अपने में निज कर। तुर ताम पहुंच के भी संत ये नहीं कहते कि असी कमाई की थी या असी कुछ करिया। उतो पहुंच के भी सच्ची निम्रता यही है कि सानू गुरुआ दे चरणा की धूड़ मिली ये उन्हां दी धूड़ ही सी जिहड़ी सानू इत्थे लै आई है ये साढ़े कित्थे ताकत सी। सो सानू भी चाहीदी है आप दे अंदर निम्रता पैदा करिए आज ही पैदा करिए। जो कोई स्वामी जी महाराज ने सानू शब्द अंदर समझाया है उसकी असी कमाई करिए अपने जीवन में सफल बनाइए।